और लोग यहाँ पे तो ये जो बेस्ट चीज है ये अलावा जो मेन बात ये है कि हमें वक्त की पाबंदी वक्त की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। जो भी कामयाब इंसान होता है वो हमेशा वक्त की पाबंदी करता है। और तीसरी बात सफाई और अखलाक का ख्याल, ठीक है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जानवर साहब अगर कोई बात करनी है उसको बकायदा मतलब याद क्या किया, लोगों से पूछ लेगा भाई आपने कितना याद किया कितना नहीं किया, फिर इसी हिसाब से आगे बढ़ेगा। ये नहीं है एक तरफ से अजीब साहब पढ़ाते जाएगा और आगे आप लोगों को कुछ ना है तो उसका फायदा नहीं आगे जाना, ठीक है। और दूसरी रही बात ये आपस में एक दूसरे को इज्जत दो, इज्जत देने का मतलब क्या रखो, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को इज्जत देंगे तो दूसरा आप लोगों को भी इज्जत देगा। और एक दूसरे का एहतराम करो, अपने टीचर्स का एहतराम करो, जिधर भी जाओ मोहल्ले में भी जाओ कहीं और जगह पर भी जाओ, तो जब तक आप किसी को इज्जत नहीं दोगे कोई दूसरा आप लोगों को इज्जत नहीं देगा। इज्जत खुद देना पड़ता है और खुद लेना पड़ता है, ठीक है। तो हमेशा मतलब आप इज्जत में भी बताया कि जामर बशरीन के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वहाँ पे मतलब अक्सर यही शिकायत आ रही है कि आपके लोग उनका लहजा सा करते हैं, बात करना का लहजा भी सा करते हैं और दूसरा का भी ख्याल नहीं रखते हैं, मतलब नज़रअंदाज करते हैं, शुक्रिया ज़्यादा करते हैं, हर वक्त क्या मानते हैं। तो इंशाल्लाह हम आप लोगों से ये उम्मीद रखते हैं यहाँ से आप एक कंप्लीट मतलब प्रोफेशनल लाइफ की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन करना है, कोई पूछना है, पूछना है, बात करना है, डिस्कस करना है, तो आप आराम से वो रिलैक्स होकर बात कर सकते हैं। जब कोई क्वेश्चन देने आ जाते हैं तो आप पूछ नहीं है, ठीक है। बस इंशाल्लाह अब अंदर ये कोर्स हमारे से स्टार्ट होगा और एक अच्छे अंदाज में चलेगा इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं। तो मंडे से आपको लैब शेयर में ले जाकर आपको प्रैक्टिकल वर्क भी स्टार्ट होगा और थ्योरी भी साथ साथ शुरू किया जाएगा, ठीक है।